बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल सोर्स मीडिया में। मयूराज आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया शिरोप चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम 4 साल वाला स्नातक करने वाले सभी छात्र छात्र, आपको पता है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय में 4 साल वाला स्नातक लागू हो गया है और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर यह पहली विश्वविद्यालय बनी जो 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू करवाने जा रही है। इसके बाद जो विश्वविद्यालय करवाएगी वो करवाएगी। खैर, आप बिहार विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट है 23-27 के, आप इस वीडियो को सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। यह थोड़ा जटिल रूटीन है, यदि आप किसी कॉलेज के कर्मचारी है फिर भी आप इसको ध्यान से सुनिएगा। समझने में किसी भी प्रकार की कमी आई तो इधर से उधर हो सकता है, या आप बिहार विश्वविद्यालय नहीं बिहार के किसी दूसरे विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट है 23-27 के, फिर भी आप इस रूटीन को समझिए। आपके विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार से रूटीन जारी किया जाएगा। फिलहाल बिहार विश्वविद्यालय के 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम छात्र छात्राएं, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको रूटीन समझाना और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल पर एक बार क्लिक कर करके आप ऐड हो जाइए। तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी जो है विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आउट किए जाते हैं सभी आपको जो है कि उस व्हाट्सएप चैनल पर आपको वन बाय वन डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा और ये रूटीन भी आपको उसी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस चैनल से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप चैनल के बारे में आपको पता होगा, वहां पर आपका ना तो नंबर शो होगा और ना ही तो नाम शो होगा, तो गर्ल्स हो या बॉयज दोनों के लिए जो है कि यह बेनिफिशियल है और दोनों की प्राइवेसी बची रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो पहले जो एग्जाम था 3 साल वाला, उसमें जो है कि ग्रुप जो बनाया जाता था सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट के लिए ग्रुप बनाया जाता था, बाकी सब्सिडरी के लिए नहीं बनता था। MIL के लिए सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए बना दिया जाता था कभी कभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, मतलब कि पहले जो व्यवस्था थी अब वैसी व्यवस्था नहीं है। अब जो आपका आप इसमें देखिएगा तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर, आपका टोटल 6 पेपर का थियोरी का एग्जाम होगा और 6 पेपर यहाँ पर जो दिया गया है सबके लिए ग्रुप बनाया गया है। तो पहले आपको अपना मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप समझना है कि किस दिन है, फिर आप माइनर का समझेंगे, फिर MDC का समझेंगे, फिर वैल्यू एडेड कोर्स VAC आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड जब आएगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद से जो SEC है स्किल डेवलपमेंट कोर्स, उसका भी ग्रुप आपको यहाँ पर समझना है, उसके बाद से MIL का। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा पहले मेजर कोर्स का होगा, जो MJC है ना पहले उसका हो जाएगा। तो उसके बाद जो सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ आप ही का पेपर हो जाएगा, सबका MJC जब हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट है 1,20,000 के आसपास या 1,13,000 जो भी हो, जब MJC सबका एक एक पेपर हो जाएगा तब MIC शुरू किया जाएगा। ठीक, तो आपको अपना एक पेपर दे करके फिर बैठना है, अगले पेपर के बारी आने का इंतजार करना है। तो जैसे ही फिर MIC खत्म हो जाएगा तो फिर MDC शुरू हो जाएगा, उसके बाद से फिर VSC शुरू होगा और SSC और MIL। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि आपका MJC कब है। अब यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर टाइमिंग के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो ग्रुप ABCDEF है, ये वाला जो पोर्शन है आप देख पा रही है आपका MJC, ये मेजर कोर्स का ग्रुप है। ठीक, नीचे माइनर का है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आपका जो मेजर कोर्स है वह किस दिन है, उससे पहले जरूर यह समझना कि टाइमिंग क्या रखा है। तो बिहार विश्वविद्यालय जो है दो सीटिंग में एग्जाम लेंगी, आपको यह देखना है कि जो आपका पेपर है वह फर्स्ट सीटिंग में है या सेकेंड सीटिंग में। वो कैसे समझ में आएगा, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, जैसा कि यहां पर बोला गया है। देखिए फर्स्ट सीटिंग जो है आप देख पाए, अच्छा एक बार ये भी देख लीजिए कि एग्जाम जो शुरू हो रहा है सभी का एग्जाम, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है थियोरी वाला, 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और एग्जाम होते 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 देखिए 10 जनवरी को खत्म होगा। तो इस बीच में आपको देख लेना है कि आप वाला पेपर कब है, वो भी हम आपको समझाते हैं। अब यहां पर देखिए 9 बजे से दोपहर दिन के 12 बजे तक किसका होगा, ACE वाले का होगा फर्स्ट सीटिंग में। तो ए में ये वाला है, उसके बाद ये सी है, उसके बाद ये ई है। ठीक, उसके बाद से देखिए अब फिर सेकेंड सीटिंग जो है वह 1 बजे से 4 बजे है। तो 1 बजे से 4 बजे किनका होगा, वह BDF वाले का होगा मेजर सब्जेक्ट। एकदम इत्मीनान से रहिए, सारी जानकारी आपको सब चीज समझा दी जाएगी, बस पेशेंस रखिए।
तो आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए वाले का यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए ग्रुप ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर यहाँ पर तो ए बी सी दिया हुआ है, तो ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से मिलाना है। ठीक, तो ग्रुप ए में कौन है? भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, मैथिली, इन चार सब्जेक्ट में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है एज ए मेजर, तो आपका पेपर मेजर वाला आप देख पा रहे हैं 9 बजे से 12 बजे होगा। ग्रुप ए यहाँ पर दिया गया है, भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, मैथिली, 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। चलिए अब देख पा रहे हैं, यदि आपका ये जो बी वाला है, म्यूजिक है, पर्सियन है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस या जूलॉजी है, इसमें से कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट है तो 18 तारीख को तो होगा, लेकिन सेकेंड सीटिंग में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 बजे से 4 बजे तक ग्रुप बी डी एफ वाले का, जिसमें आप बी आ रहे हैं, यदि आपका म्यूजिक, पर्सियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और जूलॉजी है तो 18 को हो गई बात। फिर अब 19 को आते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट ए आई एच एंड सी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका पूरा नाम होता है, यदि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, या हिंदी है, या होम साइंस है, या संस्कृत है, तो ये आपका मेजर सब्जेक्ट 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ये यहां पर लिखा हुआ, आप देख पा रहे सी, यहां पर टाइमिंग दिया गया। फिर 19 तारीख को सेकेंड सीटिंग में देखिएगा तो बोटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सेकेंड सिटी में होगा यदि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है तो 19 तारीख को। फिर उसके बाद खत्म। फिर 20 को आते, आप देख पा रहे हैं ई कहां है, यहां पर आप देख पा रहे ई दिया यहां पर 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, यदि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, वही कॉमर्स वाले, उसके बाद यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, या इकोनॉमिक्स है, या इंग्लिश है, या उर्दू है, तो आप देख पा रहे हैं ग्रुप ई यहाँ पर दिया गया है आपका 9 बजे से 12 बजे तक। देखिए एग्जाम से पहले हम आपको एक और वीडियो बना करके बताएंगे, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, एक बार में समझ में आए तो दूसरी मतलब में समझिए। बिहार में ये सिस्टम पहली बार लागू हुई है और ये रूटीन भी नई व्यवस्था के साथ लागू किया गया है, तो हो सकता है कि समझने में, चाहे आप शिक्षक हो, कर्मचारी हो, या स्टूडेंट हो, या आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय के आप छात्र हो, समझने में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ दोबारा देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख पा रहे 20 को फर्स्ट सीटिंग में किसका मेजर सब्जेक्ट होगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये पूरा पढ़ लीजिए ये वाला। फिर 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में एफ वाले का होगा मेजर सब्जेक्ट। अब एफ में कौन है? यदि आपका मेजर मैथमेटिक्स एंड मैथ है, फिजिक्स है, बंगला है, या साइकोलॉजी है, तो आपका मेजर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर दिया गया है सेकेंड सीटिंग में 20 तारीख को 1 बजे से 4 बजे होगा। अब जाकर के 20 तारीख को मतलब 18, 19 और 20 तीन दिन में सभी छात्र छात्राओं के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा ले लेनी है। बात खत्म, मेजर समाप्त हुई, अब माइनर में आते हैं। माइनर को भी बिल्कुल वैसे ही समझना है, ए बी सी डी ई एफ इसलिए दिया गया है ताकि टाइमिंग समझने में छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो और विश्वविद्यालय भी एक व्यवस्था के साथ एग्जाम ले ले। तो अब देख पा रहे यदि आपका भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, मैथिली आपका एज ए माइनर सब्जेक्ट है, अब आपको ध्यान में आया कि सर ऊपर भी सेम दिया हुआ है, नीचे भी सेम दिया हुआ है, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है? बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है, ऊपर मेजर सब्जेक्ट है, नीचे माइनर सब्जेक्ट है। यदि कोई स्टूडेंट म्यूजिक एज ए मेजर लिए होगा तो वो भोजपुरी एज ए माइनर भी ले सकता है, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माइनर में आप देख पा रहे 21 तारीख से सभी के माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा शुरू होगी। तो माइनर ग्रुप ए में आप देख पा रहे भोजपुरी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, मैथिली, इन सभी में से कोई भी आपका माइनर सब्जेक्ट होगा तो आप ए में आ रहे हैं, आपका फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा माइनर पेपर। मेजर देने के बाद मैं कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये माइनर हो गई। फिर देखिए उसी तरीके समझिए, बी में म्यूजिक, पर्सियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, ये बी है माइनर सब्जेक्ट है, बी वाले का सेकंड सिटिंग में है। आप देख पा रहे हैं सी में है ए आई एच एंड सी, हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, आप देख पा रहे हैं ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। यदि आपका इसमें से है तो सी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा टाइमिंग और यहाँ पर सारी चीज यहाँ पर दिया गया है। फिर डी का भी वही हालत है, देख पा रहे हैं डी सेकेंड सिटिंग में होगा 22 को, उसके बाद से देखिए 23 को वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, आप देख पा रहे हैं ह्यूमन रिसर्च है, आप देख पा रहे उसके बाद से मैनेजमेंट है, तो इसमें से आपको कोई माइनर सब्जेक्ट है तो आप देख पा रहे ई, ई में आपका आ रहा है और यहाँ पर देखिए ई वाले का फर्स्ट सीटिंग में है और ये 23 को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है डेट। फिर 23 को सेकंड सीटिंग में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बंगला, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये एफ है और ये आपका एम आई सी सब्जेक्ट है, तो ग्रुप एफ सेकंड सीटिंग में 23 तारीख को। फिर माइनर परीक्षा समाप्त हुई, अब आते हैं
एमडीसी में, फिर एमडीसी को भी बिल्कुल वैसे ही समझना है, ए बी सी डी ई एफ। यदि आपका इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है एमडीसी तो ये ए बी सी डी से यहाँ पर रिलेट कीजिए। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट में ही बता दें। एमडीसी यहाँ पर है, अब ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए और सीटिंग देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो गई, ये वाला हम थोड़ा शॉर्ट में रहने देते हैं, आप समझ जाइएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगली वीडियो में समझा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रुप फोर वैल्यूएबल एडेड कोर्स वी एस सी, तो वी एस सी में जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए वी एस सी में चूंकि एक ही पेपर है और आप देख पा रहे हैं सबका अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, तो वी एस सी देखिए यदि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, देखिए मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेकर के चलना है। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए सी और ई से मैच कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए सी ई से मैच कर रहा है, जैसे ए में कौन है, ए में भोजपुरी वाले हैं, हिस्ट्री वाले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से देख पा रहे सी में कौन है, ए आई एच एंड सी है, हिंदी है, होम साइंस संस्कृत है, ये है, उसके बाद से ई में कौन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि ए सी ई, इसमें से कोई भी आपका मेजर सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो आपका जो बी एस सी का पेपर होगा वैल्यू एडेड सर्विस, सॉरी वैल्यू एडेड कोर्सेज हो जाएगा, सर्विस तो ऐसे होता है, तो वो 8 जनवरी को, देख पा रहे हैं 8 जनवरी को होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 जनवरी को ए सी ई वाले का, एक ही दिन में तीन ग्रुप के स्टूडेंट को ले लिया जाएगा। उसके बाद से फिर 8 जनवरी को सेकेंड सीटिंग में बी एस सी जो वैल्यू एडेड कोर्सेज है, आप देख पा रहे हैं बी डी एफ जिसका भी मेजर सब्जेक्ट है बी में या डी में या एफ, उनका जो वी एस सी है वैल्यू एडेड कोर्सेज वो हो जाएगा सेकेंड सीटिंग में। अब देख पा रहे ए सी ई और बी डी एफ कहां से मालूम चला कि फर्स्ट में होगा कि सेकेंड सीटिंग में होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है, देख पा रहे हैं फर्स्ट सीटिंग टाइमिंग 9 से 12 और ए सी ई वाले का, फिर यहां पर सेकेंड सीटिंग टाइमिंग 1 से 4 बी डी एफ वाले का ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर 23 के बाद जो है, 23 के बाद से परीक्षा समाप्त खैर तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ 23 के बाद छुट्टी हो जाएगी, फिर 4 जनवरी से परीक्षा शुरू होगी एमडीसी की। तो ये वाला आपने समझ लिया। उसके बाद से अब स्किल एनहेंसमेंट जो कोर्स है उसमें समझिए। आप देख पा रहे हैं ग्रुप फोर मेजर कोर्स जो दिया गया है ना एमजेसी, इनका कहना है कि ये जो ग्रुप है जो एमजेसी आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से समझिएगा, इसके हिसाब से बोला जा रहा है कि समझिएगा, ऐसा ना कि इसके हिसाब से समझ, इसके हिसाब से नहीं, आपको जो है कि उसके हिसाब से समझ करके चलना है। यहाँ पर आप देख पा रहे इसलिए जो है कि यहाँ पर एमजेसी, यहाँ पर देख पा रहे ब्रैकेट में दिया गया कि आप एमजेसी वाला ग्रुप को फॉलो कीजिएगा इस पेपर में, दूसरा वाला सब्जेक्ट का ग्रुप नहीं फॉलो कीजिएगा। तो आप देखिए 9 तारीख को यदि आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए सी या ई में से है तो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है वो 9 जनवरी को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा एग्जाम। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट जो कि मैच कर रहा है बी डी और एफ से तो आपका सेकेंड सीटिंग में वो एग्जाम हो जाएगा, कौन वाला, स्किल एनहेंसमेंट वाला। ठीक, 5 पेपर खत्म हुआ, अब कौन सा बचा, एम आई एल। अब एम आई एल में आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है या और भी भाषाई सब्जेक्ट हो सकता है, नो मैटर। अब यहाँ पर देखिए 10 जनवरी को फर्स्ट सीटिंग में एम आई एल का एग्जाम होगा, किनका होगा, जिनका भी मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए से मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है या ई से मैच कर रहा है, तो मतलब ए सी ई वाले, आपका एम आई एल का जो है कि एग्जाम 10 को फर्स्ट सीटिंग में होगा, फिर 10 को सेकेंड सीटिंग में एम आई एल किनका हो जाएगा, जिनका भी बी डी एफ से मैच कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा रूटीन, कुछ सवाल बच गए हैं इस पर, कुछ समझ में आपको नहीं आया है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। 8 को तो नहीं, 8 को मेरा बीपीएससी वाला एग्जाम है, 9 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दे। आप देख पा रहे नीचे ये साइन वगैरह यूनिवर्सिटी के अधिकारी का है, तो ये है आपका रूटीन और एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिए। और परीक्षा की शुरुआती डेट है 18 दिसंबर, खत्म होगा 10 जनवरी को, आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।